सो बेटे आज का लेक्चर होगा न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क। ठीक, वर्क पे कितनी तरह के न्यूमेरिकल हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क। सो बेटा न्यूमेरिकल्स ऑन वर्क करने के लिए सबसे पहले एक बार फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेते हैं कि वर्क के कौन कौन से फॉर्मूला हमारे पास थे, ठीक, जिसको हम यूज करने वाले हैं। देखो बेटे, हमने बोला वर्क इज अ पाथ फंक्शन, तो अलग अलग पाथ में वर्क का फॉर्मूला अलग आया, भले इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या रहती, सेम रहती थी। देखो बेटे, हमने बोला सबसे पहले आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस। इसमें जब हमने वर्क निकाला आइसोथर्मल इररिवर्सिबल प्रोसेस में, हमने बोला वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, और इसको जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने कहा कि हम इसको 101.325 से मल्टीप्लाई किया करेंगे ताकि जूल में कन्वर्ट हो जाए। ये आइसोथर्मल इररिवर्सिबल कंडीशन का वर्क हुआ करता था। ऐसे बेटे हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने पढ़ा था आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंडीशंस में वर्क, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है जी, अब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में हमारे पास जो वर्क है वो होता है -2.303 nRT log of V2 upon V1, ठीक, और या फिर हम लोग कहते थे वर्क इज इक्वल टू -2.303 nRT log of P1/P2, ठीक, ये दूसरा हमारे पास रहता था। फिर हमने बात की एडियाबैटिक कंडीशंस में वर्क की, तो जब हमने एडियाबैटिक कंडीशन का वर्क निकाला, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक इररिवर्सिबल प्रोसेस की जहां तक हमने बात की थी, हमने बोला इसमें वर्क निकाला जाता है -nR, और यहां पे T2P1 - T1P2/P1, ठीक है जी, ये एडियाबैटिक इररिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क हुआ करता था। और फिर एडियाबैटिक अगला था हमारे पास एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंडीशंस का वर्क, रिवर्सिबल प्रोसेस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। अगर एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात हम करते थे तो हम बोलते थे एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क इज इक्वल टू -nCV∆T, ठीक, और अगर सीवी नहीं दिया होता था तो हम बोलते थे इट इज -nR/γ-1∆T, ठीक। ये चार फॉर्मूलाज हम वर्क के लिए यूज करते थे। आइसोकोरिक पोजीशन में वर्क, आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क जीरो होता था, आइसोबारी के सारे होते हैं। बोलो क्लियर। अब चलिए पहला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे और लिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन, पहला सिंपल, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एट 0 degree, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एट 0 degree एंड 5 atmosphere प्रेशर, 2 moles ऑफ नाइट्रोजन एट 0 degree एंड 5 atmosphere प्रेशर, 2 liter लिख लो, 2 moles की जगह 2 liter ऑफ नाइट्रोजन एट 0 degree एंड 5 atmosphere प्रेशर इज एक्सपेंडेड अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर 1 atmosphere ऑफ वन एटमोस्फेयर, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atmosphere। फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस, फाइंड द वर्क डन इन दिस प्रोसेस। सबसे पहले सबसे सिंपल वाला क्वेश्चन तुम्हें दिया है मैंने, ये टाइप 1 होती है, ठीक।
टाइप वन पी डेल्टा वी टाइप क्वेश्चंस। अब बेटा इधर ध्यान देना प्लीज सारे बच्चे, आपको शुरुआत में जो वी टू है वो कितना दिया है, 2 लीटर, ठीक, और इसको एक्सपेंड किया अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, है ना बेटा जी, और एक्सपेंशन में आपको प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना दे रखा था मैंने, 5 एटमॉस्फेयर, और प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना दे रखा था, 1 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम कितनी दे रखी थी, दी थी क्या, लिख लो, ये वी वन है और क्वेश्चन क्या लिखवाया आपको मैंने दोबारा देखना जरा, 2 moles of nitrogen, 2 liter of nitrogen at 0 degree, temperature कितना 0 degree, and 5 atmosphere pressure is expanded against constant external pressure of 1 atmosphere to 10 liter. Find the work done in this process. 10 liter तक हमने इसको expand कर दिया, आपको work पूछा। देखो बेटे, क्या हमें यहाँ पे ये कोई condition बताई गई है? नहीं बताई गई, तो पहले हमें समझना है कि कंडीशन कौन सी है, तभी तो फॉर्मूला लगा पाएंगे हम लोग। देखो बेटे, कंडीशन में हमें टेम्परेचर 0 डिग्री दिया था, क्या ये टेम्परेचर चेंज किया? जब टेम्परेचर चेंज नहीं किया तो ये प्रोसेस कौन सा होना चाहिए? तो एक बात हो गई, ये आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए था, ये पहली बात थी। दूसरी बात, अब ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, ऐसा तो लिख के नहीं दिया, पर बेटे यहां पे प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन यानी इंटरनल प्रेशर, सिलेंडर के अंदर का प्रेशर वो 5 एटमॉस्फेयर है, और जो आउटर प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर है। प्रेशर का डिफरेंस इज क्वाइट लार्ज, अगर प्रेशर का डिफरेंस लार्ज होता है तो कैसा होता है, इरिवर्सिबल। तो बेटे यहां पे ये समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ कि कैसे पता चला कि ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस है? पहली बात, टेम्परेचर का चेंज नहीं दिया था तो आइसोथर्मल है, और दूसरी बात, क्योंकि प्रेशर का डिफरेंस इज लार्ज इनफ बिटवीन द गैस एंड आउटर एटमॉस्फेयर, प्रेशर का डिफरेंस इज लार्ज इनफ, तो इस वजह से हमारे पास ये आइसोथर्मल इरिवर्सिबल है। इसलिए अगर हम वर्क निकालेंगे तो माइनस पी इंटू वी टू माइनस वी वन इंटू 101.325 जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए कर देंगे। पर ये प्रेशर कौन सा लिया करते हैं बेटा, एक्सटर्नल, जिसके अगेंस्ट वर्क होता है, तो हमने यहां पे लिया माइनस पी एक्सटर्नल कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर, कितना हो गया 1 एटमॉस्फेयर, और वी टू कितना है बच्चों 10, माइनस वी वन कितना है 2, और इनटू 101.325 क्या हमारा वर्क आ गया जूल्स में? बोलो बेटा, क्वेश्चन की अपील समझ में आई कि नहीं आई, कैसे पकड़ा क्वेश्चन को, किस तरह से था, बोलो क्लियर। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास। इसी की तरह का एक क्वेश्चन अब तुम करेंगे, ये मैंने करके दिखाया तुम्हें, इसी तरह का क्वेश्चन अब तुम करेंगे। राइट द क्वेश्चन प्लीज। अ गैस टेकन इन अ सिलेंडर, अ गैस टेकन इन अ सिलेंडर is expanded from two liter to ten liter against constant external pressure of 1 atmosphere isothermally. Isothermally and irreversibly. देखो बेटे, एक बात यहां पे और भी समझा देता हूं, कभी अगर आपका रिवर्सिबल होगा ना तो लिख के आएगा रिवर्सिबली पेपर में, ठीक, उसको जज नहीं करना पड़ता, रिवर्सिबली लिख के आता है पेपर में, या फिर प्रेशर का डिफरेंस दिया होता है। अगर प्रेशर का डिफरेंस नहीं दिया है और लिख के भी नहीं दिया है तो हमेशा इरिवर्सिबल के लिए करेंगे, क्लियर, ठीक। Isothermally, irreversibly, find the work done in the process. So simplest question, भाई, सबसे सिंपल क्वेश्चन,
बिल्कुल सही, वेरी सिंपल। आपको V1 दिया था कितना, V1 कितना दिया था 2 लीटर, V2 कितना दिया था 10 लीटर, P एक्सटर्नल कितना दिया था 1 एटमॉस्फेयर, और आइसोथर्मली वैसे ही बोला था। तो W इज इक्वल टू माइनस P यानी 1 और V2 10 माइनस 2, तो क्या आया आपके पास 8 लीटर एटमॉस्फेयर इनटू 101.325। कैन वी कैलकुलेट दिस आंसर, कोई दिक्कत? ये टाइप 1 आपने कर ली, बहुत सिंपल टाइप थी पी, ये पी डेल्टा वी वाली। अब टाइप 2 लिखना है इसके ऊपर, टाइप 2 क्वेश्चंस। When final volume is not given, लिखो क्वेश्चन बेटे। 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, 2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट फाइव एटमोस्फेयर is expanded against a constant external pressure, a constant external pressure of 1 atmosphere at 25 degrees Celsius. 25 degree Celsius. Find the work done by the gas. Find the work done by the gas assuming ideal behavior. Assuming ideal behavior. मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है? हमें पहले वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन दे रखी है 2 लीटर, और उस समय प्रेशर जो है नाइट्रोजन का वो दे रखा है 5 एटमॉस्फेयर। जो प्रेशर एक्सटर्नल है वो दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर, और टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कांस्टेंट दे रखा है। ठीक, अब अगर हमें वर्क निकालना था तो वर्क आना चाहिए था माइनस पी वी टू माइनस वी वन, है ना जी, और जूल में कन्वर्ट करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई करना था बच्चे। पर क्या हमें फाइनल वॉल्यूम गिवन थी? अब फाइनल वॉल्यूम नहीं गिवन थी, पर हमें बोला आइडियल गैस इक्वेशन, मतलब आइडियल बिहेवियर की तरह मान के चलना है। बेटे जब टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो बेटा कौन सा लॉ लगता है? बॉयल्स लॉ जो है। अब गैस जो है वो कब तक एक्सपैंड होती रहेगी, बोलो कब तक गैस एक्सपैंड होती रहेगी? जब तक कि उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना आ जाए, है ना बेटा। तो एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है, तो ये गैस तब तक एक्सपैंड होगी जब तक गैस का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ना आ जाए। तो ये P1 हो गया, तो P2 क्या हो सकता था? 1 एटमॉस्फेयर होगा। P2 कितना होगा? 1 एटमॉस्फेयर होगा। अब हम अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, ऐसे केस में हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई कर देते हैं। अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दे रखी है तो बॉयल्स लॉ लगाया, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। हमें पहले V2 कैलकुलेट करना होगा। V2 जो होगा वो होगा P1V1 अपॉन P2, ठीक है जी। तो P1 कितना था भाई? 5। V1 कितना था? 2। P2 कितना आ गया? 1। तो ये 10 हो गया, V2 10 हो गया। अब आप मजे से यहां पुट करो, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू 10 माइनस 2, ठीक। P था 1 एटमॉस्फेयर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, 10 माइनस 2 इंटू 101.325। बोलो समझ में आया कि नहीं आया क्वेश्चन? तो पहला क्वेश्चन तो जिसमें इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम दोनों दिए थे, दूसरी टाइप का क्वेश्चन मैंने ऐसे करवाया जिसमें फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया था। तो अगर फाइनल वॉल्यूम नहीं दिया तो पहले P1V1 = P2V2 से फाइनल वॉल्यूम निकालेंगे। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि गैस तब तक वर्क करेगी जब तक कि उसका फाइनल प्रेशर
एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ना हो जाए। जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो इसका मतलब उसका P2 उतना ही होगा, उससे हम P1 V1 is equal to P2 V2 से आंसर निकाल सकेंगे। बोलो क्लियर। टाइप थ्री देखिएगा, तीसरा टाइप जो होता है इसमें लिखिए, इफ इन रिएक्टेंट्स देर इज नो गैसियस मोल्स, इफ इन रिएक्टेंट्स देर इज नो गैसियस मोल बट प्रोडक्ट्स कंटेन गैसियस मोल्स, प्रोडक्ट्स कंटेन गैसियस मोल, ठीक, ये टाइप थ्री हो गया। क्वेश्चन लिखिएगा, वन मोल ऑफ वॉटर इज चेंज टू इट्स वेपर्स, वन मोल ऑफ वॉटर इज चेंज टू इट्स वेपर्स एट 373 केल्विन, एट 373 केल्विन अंडर अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेयर, अंडर अ कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ वन एटमोस्फेयर फाइंड द वर्क डन मेरे प्यारे बच्चों, ऑफ वन एटमोस्फेयर फाइंड द वर्क डन। इधर ध्यान देंगे, हमसे बोला गया कि वॉटर जो कि एक लिक्विड था दिस हैज बीन चेंज्ड इनटू वॉटर विच इज वेपर्स, और जिसको हम गैसियस की तरह बोल रहे हैं, और इन क्वेश्चंस में हम एज्यूम ये करके चलते हैं कि आइडियल बिहेवियर चल रहा है, आइडियल गैस बिहेवियर चल रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो बेटे, हमें ये तो पता था कि इसका वन मोल दिया हुआ है, और वन मोल को अगर वेपर करेंगे तो वन ही मोल आएगा ना, तो इसका भी वन मोल बनेगा, ठीक है जी। तो हमें यह भी पता था कि वर्क जो होता है वो माइनस पी वी टू माइनस वी वन होता है कि नहीं होता है। अब देखो बेटे, जो वी वन है वो लिक्विड्स का है, और वी टू जो है वो किसका है, वेपर्स का। वेपर का वॉल्यूम लिक्विड की वॉल्यूम के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी वेरी लार्ज देन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक। तो हमने गैस का वॉल्यूम V2 बोला था फाइनल वॉल्यूम, क्योंकि गैस बनी है, और इनिशियल वॉल्यूम क्या बोली, V1 जो कि लिक्विड था। सो ये बहुत बहुत बड़ा था V2, V1 बहुत छोटा था, क्योंकि V1 बहुत छोटा था तो हम इसको नेगलेक्ट कर सकते थे। अगर हम इसको नेगलेक्ट कर देते हैं तो वर्क आ जाता है माइनस पी वी टू। अब वी टू भी तो नहीं दिया है ना बेटा हमारे पास, पर हमें यह तो पता है कि अगर आइडियल बिहेवियर होगा तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, यानी वी इज इक्वल टू एन आर टी बाय पी। यहां तक क्लियर होता है। अब इसको यहां पुट कर देते हैं तो W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू एन आर टी बाय पी। बेटे गैस कब तक एक्सपेंड करेगी, जब तक उसका प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं होगा, है ना बेटा। यानी वर्क तब तक होता रहेगा जब तक ये वाला पी इस वाले पी के बराबर नहीं हो जाता, है ना। तो फाइनली अगर मैं इसको एक्सटर्नल लिख देता हूं, एक्सटर्नल, तो फाइनली क्या होगा, फाइनली पी एक्सटर्नल विल बिकम इक्वल टू पी ऑफ वॉटर, ऐसा ही होगा। तब तक पिस्टन एक्सपैंड करेगी, और अगर ऐसा हो गया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट। तो वर्क कैसे निकलेगा, माइनस एन आर टी। तो बेटा यहां पे ना एक नोट लिख लेना, इफ देयर इज नो गैसियस मोल इन द रिएक्टेंट्स, इफ देयर इज नो गैसियस मोल्स इन द रिएक्टेंट बट प्रोडक्ट्स कंटेन गैसियस मोल्स, बट प्रोडक्ट्स कंटेन गैसियस मोल्स, वी कैन यूज फॉर्मूला W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी।
W is equal to minus nRT. Gaseous moles contain gaseous mole, तो W is equal to minus nRT से आप वर्क निकाल सकते हैं। अब बेटा n कितना था हमारे पास? 1। R की क्या वैल्यू होती है SI में? SI में 8.314, और जो टेम्परेचर होता है वो कितना दे रखा है भैया आपको? 373। तो सीधे आंसर जूल में आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि यहां हमने इसकी एसआई वैल्यू यूज की है, तो आंसर सीधे किस में आ जाएगा? जूल्स में आ जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई नहीं करना होगा। बोलो क्लियर। दूसरी बात, अगर यहां कैलोरीज में वर्क कभी पूछा होगा तो आप क्या करेंगे, इसकी जगह पर 2 यूज कर लेंगे, क्योंकि कैलोरी में आर की वैल्यू क्या होती है? 1.98 अप्रोक्सीमेटली 2। ठीक, अगर कैलोरीज में पूछा हो तो यहां 2 यूज करना, जूल्स में पूछा हो तो 8.314 यूज करना। बोलो ये क्वेश्चन समझ में आया? तो जब कभी भी हमारे पास इनिशियली गैस का कोई मोल नहीं दिया हो, फाइनली गैस का मोल दिया गया हो, तो बेटे हम क्या करते हैं, माइनस एन आर टी से वर्क निकाल लेते हैं। एन नंबर ऑफ मोल होते हैं टोटल जो गैस के बने, गैस के मोल लेने हैं, किसी और के नहीं, गैस के मोल बने। आर पता होता, टी पता होता है। टाइप 3 क्लियर हो गया भाई? टाइप 4 क्वेश्चन लिखो। टाइप 4 के ऊपर लिखना, If a chemical reaction is given, write down the question, please. 11.2 gram of iron, 11.2 gram of iron is reacted with HCl. 11.2 gram of iron is reacted with HCl to give FeCl2 and hydrogen at 25 degrees Celsius. Find the work done in the process in number one, closed vessel. Number two, open vessel. In closed vessel, 1, or in open vessel, 2. See, प्यारे बच्चों, हमारे को यहां पे क्या दे रखा है? हमें एक रिएक्शन दिया, बोला आयरन जो था ना, वो HCl से रिएक्ट करता था, और HCl से रिएक्ट करके हमें ये FeCl2 देता था और हाइड्रोजन देता था। यही रिएक्शन था बेटा। ठीक, अब एक सिंपल सी बात है, आयरन क्या हमारे पास गैस होगी? आयरन तो हमेशा सॉलिड होगा, HCl एक्वस होता है, और FeCl2 सॉलिड होगा और हाइड्रोजन गैस होगी। ठीक है जी। अब सबसे पहली बात तो हमें क्लोज्ड वेसल दिया है, पहले हमें वर्क किस में निकालना है? क्लोज्ड वेसल में। तो देखो बेटा, इन क्लोज्ड वेसल, अगर क्लोज्ड वेसल है बेटा, अगर वेसल क्लोज हुआ तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज होगा? बेटा अगर वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो क्लोज्ड वेसल में डेल्टा वी 0, तो पी डेल्टा वी 0, तो क्लोज्ड वेसल में वर्क डन 0 होता है। ये तुम्हारा लड्डू बनाया गया था क्लोज्ड वेसल दे करके। क्लोज्ड वेसल कभी भी होगा, वर्क डन क्या होगा? 0, क्योंकि उसमें वॉल्यूम का तो चेंज ही नहीं हुआ। समझ में आई मेरी बात? और हमें पता है कि वर्क इज दैट विच इज आउटपुट, है ना भाई? सो वर्क इज पी डेल्टा वी। जब तक वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वर्क नहीं होगा। प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात कर रहे हो तुम मेरे साथ। अब ओपन वेसल की बात करते हैं। इन ओपन वेसल बेटा, ओपन वेसल में थोड़ा ध्यान दे, हमें एक बात समझ में आती है कि यहां पहले क्या कोई गैसियस मोल था, बाद में गैस बना? तो जब पहले गैसियस मोल नहीं होता, बाद में बनता, फॉर्मूला क्या लगाते हैं? यस, हम लगा देते हैं W इज इक्वल टू माइनस एनआरटी। पर एन किसका चाहिए होता है? गैस का।
आर टी तो पता है, पर हमें एन चाहिए गैस का। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पे इक्वेजन में हम देख सकते हैं, इक्वेजन में आयरन का मॉलिक्यूलर, आयरन का जो मास होता है एटॉमिक मास, वो क्या होता है 56 ग्राम। ये एक मोल ऑफ हाइड्रोजन दे रहा है भाई, है ना? सो दिस इज गिविंग वन मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो वन ग्राम जो होगा वो कितना देगा भाई, 1/56। हमारे पास 11.2 ग्राम दिया था, उसने कितने मोल देने हैं, 11.2। तो क्या ये 0.2 मोल्स आ गए, 0.2 मोल्स आ गए। तो ऑब्वियसली जब हम इससे वर्क निकालेंगे तो वर्क आ जाएगा यहां पे माइनस 0.2 इंटू आर की वैल्यू बोलो 8.314 और टी की वैल्यू बोलो 298। तो वर्क सीधे जूल्स में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो आ गया कि नहीं आ गया। सर अगर दो दो गैस बन रही होती दोनों के मोल्स देखते पुत्र और टोटल मोल्स ले लेते, अगर दो गैसेस बन रही होती तो हम N1 भी देखते N2 भी देखते, टोटल N उन दोनों का N ले लेते भाई, दोनों को जोड़ के ले लेते। बोलो रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन समझ में आता है? ये टाइप कौन सा करवाया सर ने, फोर्थ टाइप करवाया है ना बेटा, लिखो टाइप 5। बेटे जैसे एक गैस के मोल निकाले हैं वैसे दूसरी भी गैस होती उसके भी मोल लगाते और दोनों मोल्स को ऐड करके टोटल मोल्स लेते और टोटल मोल यहां भर देते। क्लियर, समझ में आया कि पिछला भी चला गया, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो जरा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने का टाइप फाइव है व्हेन ओनली टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन। क्या बोला, ओनली टेम्परेचर डिफरेंस इज गिवन, ठीक। अब बेटा अगर टेम्परेचर डिफरेंस में क्वेश्चन लिखो जरा, द टेम्परेचर ऑफ द गैस, द टेम्परेचर ऑफ द गैस is changed from, the temperature of the gas is changed from 0 degree to 100 degree, 0 degree to 100 degree in a cylinder having massless frictionless piston, massless frictionless piston against constant external pressure, against constant external pressure of 1 atmosphere, find the work done by the gas, B part likhna, find the work done by the gas, B part likhna, if this work is used to heat, if this work is used to heat water at room temperature, water at room temperature, what will be the final temperature of water if we have 10 moles of water, if we have 10 moles of water and specific heat of water is, and specific heat of water is 4.184 joule per Kelvin per gram, 4.184 joule per Kelvin per gram,
देखो प्यारे बच्चों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यहां पे क्या थी, पहले क्वेश्चन में हमें गैस दी, उस गैस का इनिशियल टेम्परेचर T1 कितना दिया मैंने तुम्हारे को, 0 डिग्री दिया था, और T2 कितना दिया था हमने, 100 डिग्री दिया था, प्रेशर एक्सटर्नल कितना दिया था, 1 एटमॉस्फेयर दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। नाउ बेटा जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है तो क्या ये आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल तो नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो टेम्परेचर चेंज हुआ है, पर क्या प्योरली एडियाबेटिक भी हो सकता है। देखो बेटे उसके लिए हमारे पास एडियाबेटिक वॉल होनी चाहिए, ऐसा तो मैंने लिखा ही नहीं कहीं, इट कैन बी कंडक्टिंग वॉल, तो प्योरली एडियाबेटिक भी नहीं हो सकता भाई। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ओपन टू एटमोस्फेयर, भाई फिर तो बिल्कुल एडियाबेटिक नहीं हो सकता था। तो जब ये हमें पता ही नहीं है कि भाई ये एडियाबेटिक है, आइसोथर्मल तो नहीं है, ये तो श्योर है एडियाबेटिक हमें लग नहीं रहा है, तो अब कैसे सॉल्व करूं इस क्वेश्चन को। एडियाबेटिक लिखा होता तब तो चलो सीधे फॉर्मूला चेप देता, अभी एडियाबेटिक लिख के नहीं दिया है, प्रॉब्लम है। तो बेटे हमें यह तो पता था कि वर्क किसी भी कंडीशन में हो वो हमेशा -P∆V यानी V2 -V1 होता, ये तो शोर थे हम लोग, है ना, वो चाहे जिस भी कंडीशन में हो ऐसे निकालते हैं, उसके आगे डेरिवेशन कर देते हैं, बात अलग है, शुरू तो यहीं से होती कहानी। अब सर माइनस हमेशा क्यों लगाते हो बेटा, हमने बोला हम स्वार्थी लोग हैं, हम सिर्फ सिस्टम से काम करवाना चाहते हैं, हम सिस्टम पे काम नहीं करना चाहते, पर इसमें ना अंधे बहरे गूंगे नहीं बनना है। हो सकता है कल को आपको सिस्टम में कंप्रेशन दी गई हो, क्या दिया गया हो, कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन दी हो तो प्लस लगा देना, क्योंकि देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, देन वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बात समझ में आती है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम दिया होगा तो प्लस लगाना, पर मैंने बोला हम सेल्फिश है, हम हमेशा वर्क सिस्टम से करवाते हैं, इसलिए माइनस का साइन हमें बहुत प्रिय है, हम माइनस का साइन लगाते हैं। क्लियर हो गई बात। अब बेटा यहां पे टेम्परेचर तो सेम है नहीं, अगर टेम्परेचर सेम है नहीं तो ये फॉर्मूला लगाऊं कैसे, ये तो टेम्परेचर सेम पे होना है, पर मुझे ये तो पता था कि PV इज इक्वल टू NRT होता है ना जी, और हमारे पास V जो होगा वो NRT/P होता होगा, ये भी सही होता होगा। तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं W इज इक्वल टू -P इनटू बेटा V2 की जगह ऐसे लिख दूं NRT2/P2 लिख दिया, चलो आपकी बात मान लेते हैं, -NRT1/P1 ऐसा ना, एडियाबेटिक वाला है ना, तो मेरे लड्डू बना रहे हैं। अब क्या है इसमें से कॉमन क्या निकालेंगे, NR है ना, NR कॉमन निकालते हैं, वही एडियाबेटिक वाला फॉर्मूला डिराइव कर रहा था मैं, पर एक्चुअली अभी झोल हो जाएगा, P2/P2 -T1/P1। पर बेटे जरा क्वेश्चन में ध्यान से देखना, आपको बोला कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर का मतलब क्या है कि P2 इज इक्वल टू प्रेशर, तो सेम ही रहना है, हमने कांस्टेंट ही रखना है प्रेशर, चाहे गैस का भी और चाहे एक्सटर्नल भी, ठीक है जी। अगर ये सेम हुआ तो बेटे ऑब्वियसली इसको मैं P लिख देता हूं, P, एंड दैट P शुड बी इक्वल टू P एक्सटर्नल, क्योंकि वर्क तब तक होता रहेगा जब तक प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर हो जाएगा। तो ये P और ये P, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, -PNR इंटू T2 -T1/P, क्योंकि दोनों P सेम है जी, तो P से कट गया P, तो बेटा W इज इक्वल टू -NR∆T बन गया कि नहीं बन गया, है ना जी। अब N नंबर ऑफ मोल्स हमें गैस के दिए होंगे, 1 मोल 2 मोल दिए कुछ, तो लिख लो आप पहले ही 1 मोल ऑफ गैस ले लेना ना,
तो मतलब वन मोल गैस का, अगर इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया, मैंने वन मोल लिख लेना गैस का, ठीक। तो भैया यहां पे माइनस वन, आर की वैल्यू 8.314, डेल्टा डी कितना है 100 है, वो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो केल्विन में हो, डेल्टा टी सेम रहता है कि नहीं, तो इनटू 100 हो गया और आंसर हमारे पास चुटकी में निकल आया। बोलो क्लियर हो गया ना? तो प्रॉपर तरह से एडियाबेटिक का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि एडियाबेटिक में बेटे आपको पता है कि यहां पी वन नीचे रहता है ना, एडियाबेटिक का फॉर्मूला याद है तुम्हें, उसमें पी वन नीचे रहता है ना, यहां पे वो नहीं रहा, तो परफेक्ट एडियाबेटिक की तरह से भी नहीं चले और आइसोथर्मल की वजह से भी नहीं चले, हमने टेम्परेचर के चेंज के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बोलो पहली बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहला पार्ट ऑनलाइन वाले बच्चों को समझ में आया, ओके। अब पार्ट सेकंड जो थोड़ा सा मजेदार था, पार्ट सेकंड हमारे पास क्या था बच्चे, हमें वाटर का टेम्परेचर फाइनल ढूंढना था। बेटे इनिशियल टेम्परेचर कितना था बच्चे वाटर का, जिसको हमने इसी वर्क से हीट किया, कितना? रूम टेम्परेचर था ये, दैट इज 25 डिग्री, मतलब 298 केल्विन, है ना जी, यही था ना जी। अब दूसरी तरफ हमें ये तो पता था कि एक चीज होती थी स्पेसिफिक हीट, सीएस। क्या फॉर्मूला था सीएस का? क्यू डेल्टा टी इंटू डब्ल्यू, ना लिख के एम लिख दूं, मास, यही होता था भाई स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला, यही होता था, ठीक। अब हमें तो निकालना था डेल्टा टी, सो डेल्टा टी इज क्यू बाय सीएस इंटू एम। डेल्टा टी क्या होना था, टी टू माइनस टी वन इज इक्वल टू क्यू बाय सीएस इंटू एम। बेटे हमें क्या निकालना था यार, टी टू, तो टी टू किसके बराबर आया, Q अपॉन सी एस इंटू एम प्लस टी वन। देखो जितना वर्क हमने पहले किया वो सारा हीट में कन्वर्ट कर दिया, हीट करने के लिए यूज किया ना, जो भी वर्क किया हीट करने के लिए यूज किया कि नहीं किया, ठीक। तो ऑब्वियसली वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, Q, वो सारा हीट के लिए यूज कर दिया हमने भाई, तो वर्क को हमने किसके लिए ले लिया, जितना वर्क था उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया, तो Q की जगह वर्क पुट कर दो, तो T2 will be equal to W upon CS into M plus T1, ठीक है जी। W पहले क्वेश्चन में निकाले, आ गया हमें CS दिया है, आ गया हमें मास, क्या वाटर का मास दिया है जिसको हीट करना है, 10 मोल दिए ना, तो मास कितना आ जाएगा, मास आ जाएगा एक मोल का 18, 10 मोल का 10 इंटू 18, 180 आ गया कि नहीं आ गया बेटे, ये भी दिया है बच्चे, ये भी पता है, बोलो T2 निकला कि नहीं निकला, हाँ जी। अब ये क्वेश्चन जरा अपने किसी दोस्त को मित्र को देके देना, ये पूरा क्वेश्चन अपने दोस्त मित्र को कभी देके देखना ना, बाजे बज गए उसके तो बताना, थर्मोडायनेमिक्स का एक महीना हो गया उनको, है ना, रिवीजन भी कर ली उन्होंने, बोलो आफ्टर रिवीजन करके दिखा दो, बोलो क्लियर हुआ, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो ये टाइप कौन सी थी बेटा, फाइव टाइप थी, फिफ्थ टाइप। तो एक बार सारी टाइप्स को फटाफट रिवाइज करो, अभी तक कौन सी की है। टाइप वन सिंपल पी डेल्टा वी टाइप क्वेश्चन, है ना जी, टाइप वन इज सिंपल पी डेल्टा वी टाइप क्वेश्चन। टाइप टू था When final volume is not given, जब final volume नहीं दी थी वो type 2 था। Type 3 थी जब हमारे को initially कोई गैस के मोल नहीं है, जबकि product में गैस के मोल हैं, है ना जी। Type 4 थी reaction based questions, कि अगर आपको पहले reaction दे दिया जाए, फिर वहां पे मैंने दो एक छोटी सी कुंडी और डाली थी कि कभी कभी हमारे को closed vessel दे देते हैं, और पूरा दिया तो सारा क्वेश्चन है, नीचे क्लोज वेसल लिखा, बच्चा लगा हुआ सॉल्व करने, अरे भैया क्लोज वेसल है तो आंसर क्या है, जीरो, सॉल्व नहीं करना है, ओपन वेसल में सॉल्व करना है, या पिस्टन वाले वेसल में सॉल्व करना है, पिस्टन वाला वेसल इज नॉट क्लोज्ड, उसकी पिस्टन ऊपर नीचे उठ सकती है, उसमें वॉल्यूम का चेंज हो सकता है,
क्लोज्ड वेसल, ढक्कन बंद वेसल में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है क्योंकि गैस एक्वायर्स एंटायर वॉल्यूम प्रेजेंटेड टू इट, इजंट इट? तो फिर वॉल्यूम का चेंज नहीं होता है। और टाइप फाइव आपको करवाया जब आपको क्या दिया जाए, टेम्परेचर का डिफरेंस दिया जाए और बाकी ये भी ना लिख के दिया जाए कि वो एडियाबेटिक है। ठीक, एडियाबेटिक तो लिख के दे देंगे ना एडियाबेटिक। तो अगली क्लास 9 बजे कल अपन आइसोथर्मल से शुरू करके वर्क का मैं सारा कुछ करवा दूंगा। बेटे इस पूरे पंचकुला में सारे केमिस्ट्री टीचर्स ने मिलके जितने क्वेश्चन करवाए होंगे कल अश्विनी सर कराएंगे, सबके क्वेश्चन मिला लेना। उसके बावजूद उन सबके मिले हुए क्वेश्चनों से ज्यादा मेरे क्वेश्चन होंगे। ठीक, चलिए, थैंक्स लॉट।